के कांग्रेसी विधायक करण दलाल ने जिले की कानून व्यवस्था को लचर बताते हुए कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है, आए दिन अपराध हो रहे हैं। कोर्ट परिसर और लघु सचिवालय के पार्क में अपराधी किसी को गोली से उड़ा जाते हैं और धमकी दे जाते हैं कि यदि किसी ने गवाही दी तो उसका भी ये हाल करेंगे। ये सही मायनों में कानून व्यवस्था का खुला मजाक है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनी जेबें भरने से फुर्सत नहीं है, अधिकारियों को रिश्वत लेने से फुर्सत नहीं है। पुलिस केवल मोटरसाइकिलों के चालान काटने में लगी रहती है। फुलवाड़ी हत्याकांड अभी कोर्ट परिसर के अंदर जहाँ 24 घंटे सिक्योरिटी का बंदोबस्त होता है, वहाँ सरेआम गोली मार करके जाना और गोलियां मारते हुए ये कहना कि अगर कोई गवाह बनेगा या कोई FIR दर्ज कराएगा तो उसको भी हम मारेंगे, तो ये तो बिहार बनता जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बोधे लोगों की सरकार है, कमज़ोर लोगों की सरकार है। इनके अंदर दम नहीं है कि अधिकारियों के ऊपर नकेल कस सकें। ये केवल व्यापारी लोग हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। इन्हें राजनीति और लोगों को बचाने की जो एक सशक्त तरीके से लोगों को बचाव में आना आकर के खुद खड़ा होना होता है, वो भारतीय जनता पार्टी के बस की नहीं है, इसीलिए माहौल बिगड़ रहा है। क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह यही है कि ये रिश्वत लेकर के नियुक्तियां होती हैं और BJP के जो नेता हैं वो रिश्वत लेने में लगे हुए हैं। कोई लोगों का डर नहीं, राजनीतिक लोगों का डर नहीं। जो हमारे समय में एक भय हुआ करता था राजनीतिक लोगों का, वो भय निकला हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के छुटवैया नेता पैसे लेकर के तबादले कराते हैं, पैसे लेकर के सारे काम होते हैं, और जो लुटेरे हैं, हत्यारे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इशारों पर ये इस तरह की हरकतें करते हैं। इनके अंदर हिम्मत नहीं कि ये खड़े होकर के कह सके कि ये जघन्य हत्याकांड कैसे हो रहे हैं। इसके पीछे क्या अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी भी हो सकती है वजह? बेरोजगारी भी एक मुख्य कारण है, लेकिन सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए गुंडा तत्व के खिलाफ, जिससे आम आदमियों को सुरक्षा मिले। और सरेआम कोर्ट के अंदर गोली मार करके ये कहना कि अगर कोई गवाही देगा या FIR दर्ज कराएगा हम उसको भी गोली मारेंगे, तो कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। जो इंसाफ का सबसे बड़ा मंदिर है अदालत, अदालत के अंदर गोलियां लगें लोगों को तो लोगों की जान बचेगी कहाँ?